तेरह चौदह साल का एक लड़का आया, उसके बाद चार पांच साल के अंदर इंडियन टीम तक का सफर, उतार चढ़ाव, एक कॉन्फिडेंस। अब अर्शदीप का अगर हम रोल देखें, या एक समय वो भी आया जब पाकिस्तान का मैच आया और काफी ट्रोल किया अर्शदीप को, है ना, और आपने भी बताया कि वो मेंटली काफी टफ है अर्शदीप, सिर्फ दिखता है गंभीर है लेकिन टफनेस है, मेंटली टफ है वो, काफी टफ है वो, कोई इधर इस बातों में ध्यान नहीं ज्यादा देता, उसका फोकस गेम की तरफ रहता है। वो फेसबुक वाला किस्सा जरूर शेयर कीजिए कि आप कह रहे थे यार तू फेसबुक, वो एक्चुअली क्या है, वो जिस दिन ट्रोल हुआ तो हम भी बरीड थे कि यार इसको, मैंने भी सोचा कि मैं इसको कैसे बात करूं यार, कहीं मैच भी हार गए थे हम पाकिस्तान का उस दिन, जिससे कैच भी छूट गया वो, तो मैंने कहा कि इसको मोटिवेट करना पड़ेगा मेरे को, कहीं ये बहुत डाउन ना हो गया। मैंने इसकी कॉल मिलाई रात को, कॉल व्हाट्सअप कॉल किया तो मैंने इसे पूछा पहले क्या हाल चाल है, कहते ठीक है सर आप बताओ, मैं कहा मैं भी ठीक हूँ, क्या हुआ मैच, कहता नहीं सर कुछ नहीं हुआ, वो मैच हार गए, कैच छूट गया, कहते चल कैच भी छूट गया, उसके बाद लास्ट ओवर मेरे हाथ में था मैच, तो मैं कोई बात नहीं यार, तो अप डाउन चलता रहता है, अभी हम अभी फाइनल खेलेंगे, कुछ भी खेलेंगे अभी, तो कोई बात नहीं। फिर मैं कहा चल ट्रोल हो रहा है तो कोई ऐसा मत सोच, तो अपना हमारा इंडिया मीडिया पूरा तेरे साथ है, सब तेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया पूरे लेजेंड प्लेयर हमारे साथ है, पूरी इंडिया गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट कर रही है, सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि हम अर्शदीप के साथ है, ये तो ये चंद लोग हैं जो बल्कि थोड़ा सा बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं कहा तू ऐसे कर, तू अपना फेस वेस पे कुछ नहीं देखना, अपना फोन फोन स्विच ऑफ कर, कहना नहीं सर मैं तो सुबह से फेसबुक ही देखना शाम से, जब से ट्रोल हो रहा हूँ तब से मैं फेसबुक देख रहा हूँ शाम से। अच्छा। मैं क्यों, कहते सर मेरे को मजा आ रहा, वो मैं कह नहीं यार तू तेरे दिमाग को देख, कहना नहीं सर मेरा दिमाग नहीं उधर, मैं तो मैं कह तू सैड सा क्यों लग रहा, फिर कहते सर सैड तो इसलिए लग रहा है कि जो लास्ट ओवर है मेरे को मैच जिताना चाहिए, एक मेरे को यॉर्कर मिस मिस हो गई, कि वो यॉर्कर अगर मेरे अच्छा परफेक्ट पड़ता तो चौका ना जाता और हम मैच जीत जाते, कि मैं उसके कारण सैड हूं, मैं ट्रोल के कारण सैड हूं। फिर मुझे लगा, फिर मैं इससे मजाक किया, इसने भी मेरे से मजाक किया, तो मैं कह नहीं यार ये मेंटली टफ है लड़का, कहते सर कोई बात नहीं अगला मैच आएगा फिर मैं जो ट्रोल वाज है इनको मैं बताऊंगा कि बॉल कैसे होती है, फील्डिंग कैसे होती है, तो चलो भगवान ने दिया कि इसकी प्रार्थना सुनी, अगले मैच में तीन विकेट निकाली, सही बात है, वो जवाब करा रहा था। और अब बात करेंगे कि जैसे अब काउंटी क्रिकेट अर्शदीप खेल रहा है, तो क्या बदलाव आपने देखा जब इंडियन टीम से लेकर अभी तक का सफर, आईपीएल, अब अर्शदीप में क्या चेंजेस आप देखते हो एज ए क्रिकेटर? देखो अर्शदीप में एक्चुअली देखो अब उसमें कोई टेक्निकली कोई इतना तो नहीं है, इसमें काम कराने की बात है, अब उसके जो चीजें हैं वो टेक्टिकल चीजें हैं सारी, कि कैसे गेम को रीड करना है, कैसे सिचुएशन को रीड करना है, ग्राउंड की डिमेंशन रीड करके बॉल करना है, फिर बैट्समैन को रीड करके बॉल करना है, तो अब सारी चीजें वो है उसके दिमाग में, तो वो चीजों को बरीकी को काफी सीख गया वो, तो काफी मुझे लगता है कि अब वो काफी मेच्योर हो गया उस लेवल पे, अब स्टैंड कर सकता है और बड़ी लंबी हिंदुस्तान की सेवा कर सकता है। अभी वेस्ट इंडीज टूर के बाद एशियन गेम्स हैं, और एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ ओलंपिक की हम बात करें, ना एक होता है ना कि हाँ हमारे प्लेयर ओलंपियन है, एशियन गेम्स हैं, एशियन गेम्स को लेकर कितना आप एक्साइट आपके हैं? देखो मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब एशिया की टीम बननी थी तो इसके पेरेंट्स मेरे घर आए हुए थे, एक दिन बात कर रहे थे, तो मेरी और उनकी यही विश थी कि ये एशिया टीम में पिक हो जाए, क्योंकि एशियन गेम या ओलंपिक गेम ऐसी होती है कि ये इंडिया की प्राइड होती है, हर हिंदुस्तान के लिए प्राइड है, तो हर हिंदुस्तान देखता है कि यार वहां से मेडल आए या कुछ है, तो हमारी भी एक बहुत ख्वाहिश थी कि एशिया कप जरूर खेले, एशियन गेम्स के लिए। हाँ तो ये एशियन गेम्स के लिए पिक हुआ, तो इसके पेरेंट्स का फोन आया मेरे को, मैंने भी उनको मुबारकें दी कि चलो हमारी जो उम्मीद थी, जो हमारी एक ख्वाहिश थी कि एशिया गेम्स में सिलेक्ट हुए और वहाँ पे अच्छा करे और टीम को जिता के लाए और गोल्ड मेडल जीत गए, तो ये बहुत अच्छा लगा जब ये पिक हुआ। अब वर्ल्ड कप की भी टीम बननी है और हर एक खिलाड़ी का सपना होता है वर्ल्ड कप खेलना, और वर्ल्ड कप इंडिया में ही है, आप कोच हैं नेचुरली, आप चाहेंगे कि अर्शदीप भी हो, हम सभी चाहते भी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कम्बिनेशन बनेगा, जो 16 की टीम चुनी जाएगी, अर्शदीप की जगह को कहां दूंगा? देखो ये टीम चुनना तो सिलेक्टर का काम है या मैनेजमेंट का काम है, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं, पर जो मेरे बींगे कोच या बींगे क्रिकेटर, मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी यंग है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, तो हमारे पास हिंदुस्तान के पास अभी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो ये एक राइट च्वाइस होगी, अगर इसको हम पिक करते हैं, इसको खिलाते हैं तो ये परफॉर्म करेगा, तो इसको खिलाना चाहिए, मेरे साथ आना चाहिए टीम।